एक दिसंबर को मिर्जापुर जिले में जिस तरह से एक ही ब्राह्मण परिवार के तीन बच्चों की विभत्स घटना में जिनकी मौत हुई, और जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि जो परिवार वालों का भी कहना है, जो वहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे गया था, जो बातें उनसे हुई हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से बच्चों के जो जब बॉडी मिली नाले से रिकवरी के बाद, उनके तीनों की आँखें में निकाली हुई थी, शरीर पर गहरी चोटें थी जो कि सामान्य चोट नहीं दिखाई दे रही थी, और पूरी तरह से जो आशंका व्यक्त कर रहा है परिवार और गांव के लोग कि इन तीनों बच्चों को पहले प्रताड़ना दी गई, उनकी यातना उनको दी गई, उसके बाद उनको मारकर नाले में फेंक दिया गया। पर अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर असफल हो चुकी है, वहाँ का जिला प्रशासन इस पूरी विभत्स घटना को एक दुर्घटना बताने का प्रयास कर रहा है। कितनी अफसोस की और कितने दुख की बात है कि एक ही परिवार के तीन बच्चे, और जो कि सब नाबालिग बच्चे थे, जिस तरह से उनकी घटना हुई, कोई संवेदना न सरकार की उनके साथ है, न मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द इस बारे में बोला है, और ना ही कोई आश्वासन सरकार की तरफ से परिवार को दिया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने एक आदरणीय प्रियंका गांधी जी के कहने पर एक प्रतिनिधि मंडल जिसकी अगुवाई ललितेश पति त्रिपाठी जी ने की थी, वो वहाँ पे परिवार से मिल कर के आया है। आज हम सब महामहिम राज्यपाल से राजभवन इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि इस सरकार जो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था के मामले में असफल हो चुकी है, हमारी महामहिम राज्यपाल से और इस राजभवन से उम्मीद है कि इस पूरे मामले का संज्ञान लें, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराएं, परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया।